बीजेपी लोकसभा चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है। वो किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं रहना चाहती। वक्त से पहले प्रत्याशियों की घोषणा करके प्रत्याशियों को जनसंपर्क का भरपूर मौका भी दिया गया है। अब जमीनी समीकरण बिठाने के लिए भी पूरी गंभीरता बढ़ती जा रही है। पार्टी ने अपने नेताओं को दो टूक संदेश दे दिया है कि उनके काम का हिसाब किताब रखा जा रहा है और चुनावी रिजल्ट के बाद इसका लेखा जोखा होगा। चुनाव की घोषणा से पहले प्रत्याशियों का ऐलान, चुनाव से पहले प्रचार अभियान, जिला मंडल और बूथ पर एक एक नेता को कमान, बीजेपी की रणनीति में केवल जीत का अरमान। लोकसभा चुनाव में जीत के हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने इस कदर कमर कसी है कि कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। फील्ड पर तैनात नेताओं को बीजेपी का दो टूक मैसेज है कि उनके काम की निगरानी की जा रही है। उनको सौंपे गए काम का रिजल्ट से ही उनका राजनीतिक भविष्य तय होगा, यानी जो जिम्मेदारी नेताओं को दी गई है वो पूरी होनी जरूरी है। बीजेपी ने लोकसभा फतेह के लिए जिले से लेकर विधानसभा मंडल और पोलिंग बूथ स्तर तक नेताओं की तैनाती की है। कार्यकर्ता अनुशासित है और वो जो निर्देश मिलते हैं उनके पालन की पूरी चिंता करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कहीं कोई कमी कमजोरी है तो हम लगातार हमारी समीक्षात्मक बैठकें हो रही हैं और समीक्षात्मक हमारी निगरानी भी है तो हम उस पर ध्यान दे रहे हैं और चुनाव के बाद भी हम समीक्षा करते हैं। हमने तो जहां कहीं कम वोट मिले उसकी भी समीक्षा की कि कैसे ज्यादा वोट बढ़े, ऐसे ही कार्यक्रमों का है। तो हम यदि कहीं कोई कमी कमजोरी दिख रही तो हम उसकी तुरंत समीक्षा करके उसको ठीक करने का काम। बीजेपी के हर जिले में हर अभियान का प्रभारी है जो निचली इकाई तक की निगरानी कर रहे हैं। हर बूथ पर 370 नए वोटरों के वोट, गांव चलो अभियान, मोदी का परिवार अभियान, लाभार्थियों से संपर्क अभियान, पोलिंग बूथ विजय अभियान, अन्य दलों के वोटरों से संपर्क। बीजेपी इन अभियानों के चलते जहां अपनी जीत को सुनिश्चित करने में लगी है तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि चुनाव प्रचार सारे राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन बीजेपी जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है उसे सभी दल समझने लगे हैं। अपने कार्यकर्ताओं में पहले भरोसा नहीं था जो ये प्रवासी प्रचारक ले आए थे पिछले चुनाव में, शायद अभी भी लेकर आने वाले हैं, और अब पहले अपने नेताओं में भरोसा नहीं था, अब कार्यकर्ताओं में भरोसा नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता उदास है, ठगा हुआ महसूस करता है अपने आप को कि उसके अधिकारों को छीन के दे दिया दूसरों को, तब ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं, नहीं करोगे तो डंडा कर देंगे, नहीं करोगे तो मारेंगे पीटेंगे, नहीं करोगे तो धमकाया जा रहा है। इससे चुनाव जीतेगी भाजपा? चुनाव में अब बीजेपी के कार्यकर्ता बताएगा कि उसको डराने का अंजाम क्या हुआ। बीजेपी ने दिल्ली फतह करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया। 400 सीट पर जीत हासिल करने वाले अपने टारगेट को हासिल करने के लिए ही पोलिंग बूथ स्तर पर मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग का सिस्टम भी तैयार किया है। कहती है अब की बार 400 पार। बीजेपी साथ में ये भी कहती है कि कांग्रेस मैदान में नहीं है, यानी आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी ये भी तैयारी कर रही है कि हर कार्यकर्ताओं को मैदान में मुस्तैदी के साथ में उतारा जाए। ये एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगी जिसके आधार पर कार्यकर्ता का बही खाता तैयार होगा और उसका राजनीतिक भविष्य भी यही बही खाता तय करेगा। जाहिर बात है बीजेपी का प्रचार हर स्तर पर किया जा रहा है और कार्यकर्ताओं की फील्ड की मेहनत को भी प्रचारित किया जा रहा है। कांग्रेस उतने प्रचार में नहीं है, लेकिन रिजल्ट में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ संदीप भंवरकर, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।